आज के इस वीडियो में हम आपके लिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आए हैं और इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पहले वाला एक्सरसाइज था उसे वेरिएबल्स सेपरेबल हो गए थे, अर्थात dy के साथ y के फंक्शन आ गए थे और dx के साथ में x के फंक्शन आ गए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि xy के जो फंक्शन है वो प्लस या माइनस में दिए होंगे, जबकि पहली वाली एक्सरसाइज में xy के फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में दिए थे। इसलिए इसको सावधानी से करने के लिए सबसे पहले dy / dx निकालेंगे। dy / dx निकालने के बाद में हम या dx / dy भी निकाल सकते हैं। यदि dy / dx निकाला है तो y = vx पुट करेंगे और यदि dx / dy निकाला है तो x = vy पुट करेंगे। तो देखते हैं यहां पर क्या करना है। तो सबसे पहले यहां पर dy / dx निकालेंगे। dy / dx = dy / dy / dx = आएगा x cos y / x plus y sin y / x y / y sin y / x minus x cos y / x into x, यानी this / this is equal to this / this। अब यहां पर लिखेंगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस, इसका नाम वन डाल दे रहे हैं। अब पुट करना पड़ेगा y is equal to vx, therefore dy / dx is equal to v, यानी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड x कवर हो गया प्लस x और dv ओवर dx, यानी v प्लस x dv ओवर dx। a नंबर दो डाल लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 v प्लस x dv ओवर dx, यानी dy / dx की जगह v प्लस x dv ओवर dx पुट कर दिया इज इक्वल टू x cos vx / x प्लस vx into sin vx / x into vx / में आ जाएगा vx sin vx / x minus x cos vx / x bracket close multiply by x। यहां पर x x प्लस से आगे पीछे कॉमन और बाहर भी कॉमन, अंदर x स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर नीचे भी x और एक x रहा, x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचेगा v प्लस x dv / dx इज इक्वल टू x कॉमन आ गया, ये वाला दोनों आ गए और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कैंसिल आउट, ये वाला कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा cos v plus v sin v bracket close into v / में बचेगा v
एक्स कॉमन आ गए ये वाला और ये वाला, दोनों एक्स कॉमन आ गए तो वी साइन वी माइनस कॉस वी, ये वाला एक्स भी नीचे से कॉमन और ये वाला एक्स कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। अब हम करेंगे एक्स डीवी ओवर डीएक्स इक्वल टू कॉस वी प्लस, और वी की मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हाथ के हाथ दोनों जगह, यानी वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी और अपॉन में आएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी, और ये वाला वी राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो गया। हमारे पास बचा एक्स डीवी ओवर डीएक्स इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी, इधर तो यही रहेगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v और माइनस का इसके नीचे बल लिख लेंगे तो v की मल्टीप्लाई हो जाएगी v स्क्वायर साइन v और माइनस माइनस प्लस v cos v, यहां से v स्क्वायर साइन वी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा एक्स डीवी ओवर डीएक्स इक्वल टू टू वी कॉस वी, वी कॉस वी और वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब यहां से वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, अब ये लिखा जा सकता है v sin v माइनस cos v अपॉन v cos v, इंटीग्रल लगा देंगे dv इक्वल टू इधर हमारा 2 बच गया है, ये वाले इधर आ गए ऊपर पहुंच गए, ये वाले नीचे आ गए dv के साथ, और ये आएगा इंटीग्रल 2 तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन x dx, तो इसको देखिए डिवाइड मार के तो v से भी कैंसिल आउट, ये बचेगा tan v, v से भी कट गया sin v अपॉन cos v tan v हो गया माइनस cos v कैंसिल आउट 1 अपॉन v dv इक्वल टू 2 log x प्लस c1, C1 है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, C1 क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां से इंटीग्रल कर देंगे tan v का log sec v माइनस 1 अपॉन v का log v, और इसको धन ले आएंगे माइनस log x स्क्वायर, क्योंकि पावर ऊपर पहुंच जाएगी इक्वल टू सी वन लॉग सेक वी अपॉन वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू सी वन, यहां से सेक वी अपॉन वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर सी वन, इसे सी से सी मान लिया जो ई कॉन्स्टेंट होता है और C1 भी कॉन्स्टेंट है, जब कॉन्स्टेंट पर पावर कॉन्स्टेंट आएगी तो कॉन्स्टेंट C आएगा। अब यहां से लिख सकते हैं इसे sec v की वैल्यू उठा देंगे y upon x, ये y upon x into x square is equal to c, since y is equal to vx हमारा था, यहां से v निकालेंगे तो y upon x आएगा, यहां से
एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आएगा sec y upon x equal to cx by, this is the required answer. ये हमारा required answer आ गया है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है स्टेप कम करने की, इससे कम स्टेप्स में ये सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन बच्चों की डिमांड पर करे जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस की बच्चों ने डिमांड की है तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं और भी आगे डिमांडेड क्वेश्चन आएंगे तो वो सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिल रहा है देखने को कि x upon y, x upon y, x upon y, यानी dx upon dy निकालना है हमें, तो निकाल लेंगे यहाँ पर dx upon dy into minus e की पावर x upon y minus 1 upon x upon y upon 1 plus e की पावर x upon y, यानी this upon this is equal to this upon this। तो यहाँ पर इक्वेशन वन मान लिया, ये होमोजीनियस है, बिलोंग्स टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लैंग्वेज हमने पहले वाले क्वेश्चन में वही है लैंग्वेज, यहाँ पर आएगा पुट x इक्वल टू बी वाई, यहां से आएगा dx अपॉन डी वाई इक्वल टू पहला फंक्शन v, y का मान हो जाएगा प्लस y dv ओवर dx, ये दो मान लिया सारा फ्रॉम 1 एंड 2 इंप्लाइज, इसकी जगह भर देंगे v प्लस y dv ओवर dx इक्वल टू माइनस e की पावर y की जगह x की जगह vy भरेंगे तो v रह जाएगा, ये 1 माइनस v रह जाएगा, ये 1 प्लस e की पावर v रह जाएगा। मैंने सारे कैंसिल आउट कर दिए हैं, x के vy भरेंगे, yy के कैंसिल आउट, यहां पर y कैंसिल आउट, यहां पर भी ay कैंसिल आउट, x ही है vy भरने पर। अब हम लिख देंगे y dv ओवर dx इक्वल टू माइनस e की पावर v माइनस माइनस प्लस v की पावर v e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v और माइनस का आ जाएगा v, यहां से आएगा y dv ओवर dx इक्वल टू l से आएगा 1 प्लस e की पावर v माइनस e की पावर v प्लस v e की पावर v माइनस v e की पावर v, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको लिख सकते हैं, इसको उधर ले आएंगे, इसको उधर, तो ये आएगा माइनस का v और आएगा, तो इसके लिए 1 लिखेंगे तो माइनस का v और माइनस v की पावर v, अब आएगा y dv ओवर dx इक्वल टू माइनस कॉमन, ये आएगा v प्लस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, तो 1 प्लस e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v, इंटीग्रल का निशान लगा देंगे, dv इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dv ओवर dy आएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन b और सेकंड y का 1 प्लस y और b का dv ओवर dy आएगा, dv ओवर ए dy आएगा, dv ओवर dy आएगा, सॉरी इसके लिए ये dv ओवर dy आएगा, dv ओवर dy आएगा, उधर पहुंच जाएगा माइनस वन अपॉन वाई इंटीग्रल डीवाई। अब इसका नीचे वाले का इंटीग्रल दिया है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में एक थ्योरम हुआ करती थी कि इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स लिखते थे, लॉग ऑफ नीचे मान लिख देंगे, इसमें आएगा इंप्लाइज log v प्लस e की पावर v इक्वल टू माइनस का log y और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 हमने जोड़ दिया जो मैंने पहले बताया था, यहां पर आएगा log v प्लस e की पावर v, इसको धर ले आएंगे log y इक्वल टू c1 log a into b का भाव लग जाएगा तो y into v plus e की पावर v is equal to c1, यहां से आएगा y v plus e की पावर v is equal to e की पावर c1, यहां से आएगा y और v की वैल्यू यहां से x upon y आएगी, ये वाली वैल्यू यहां से, तो यहां से आएगा x upon y v की वैल्यू, तो x upon y plus e की पावर x upon y और is equal to ac, ये e की पावर c1 को c मान लिया है। अब हम लिख सकते हैं इसको l से भी हम y ले लें तो y x plus y e की पावर x upon y इक्वल टू c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं x plus y e की पावर x upon y इक्वल टू c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक और डिमांड आई है उसे भी कर ही देते हैं, ये लास्ट डिमांडेड क्वेश्चन है बच्चों का, इसे हम आराम से करेंगे और ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। देखिए हम यहाँ पर y upon x एक हेल्प मिल रही है, dy by dx निकालेंगे, यहाँ से dy by dx मैंने एक लाइन बचा ली उधर में ले गया हूँ राइट साइड में, बस this upon this is equal to आएगा x sin square y upon x minus k y upon x this upon this is equal to this upon this, तो माइनस का साइन यहां लगा देंगे, ये माइनस का यानी dy by dx is equal to this upon minus x आता तो ऊपर मैंने माइनस लगा दिया है। अब ये होमोजीनियस है, h d को बिलोंग करता है इक्वेशन वन, तो पुट कर लेंगे y is equal to vx, यहां से आएगा dy by dx is equal to v plus x dv over dx, ये दो मान लिया, 1, 2 implies करते हैं, dy by dx की जगह रख देंगे v plus x dv over dx is equal to, यहां से x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर v बचेगा, माइनस का v बचेगा तो y बराबर bx था, y बराबर bx, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको देखें तो ये वाला v कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर v
डीवी इज इक्वल टू ये उधर पहुंच जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स डीएक्स इंटीग्रल, ये माइनस का कॉट भी होता है इंटीग्रल, ये माइनस का लॉग एक्स हो गया प्लस का सी वन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब वी की वैल्यू डालेंगे तो ये आएगा वाई अपॉन एक्स माइनस का लॉग एक्स प्लस का सी वन। अब इसमें क्या कर देंगे, y तो पाई बाय 4 है x 1 है तो पुट कर देंगे माइनस का कॉट पाई 4 अपॉन 1 माइनस का लॉग 1 प्लस का c 1 हमने पुट कर दिया x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू पाई बाय 4 ये वाला पुट कर दिया। अब हमारे पास एक कॉट 1 ये माइनस का वन हो गया, ये इंप्लाई करके आया माइनस का वन इक्वल टू लॉग वन जीरो होता है सी वन। तो देयरफॉर ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो वैल्यू पुट करने के बाद में जो सॉल्यूशन आता है वो जनरल नहीं रहता, कोई कांस्टेंट खत्म हो जाता है तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। यहां पर आएगा ये माइनस का कॉट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स माइनस का वन, माइनस कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेके तो कॉट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस का वन, ये हमारा फाइनल पार्टिकुलर आंसर हो गया। और हमने सफलतापूर्वक तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, लॉन्चिंग को देखते हुए सॉल्व कर दिया इनको। और हम आपसे वो विनती करते हैं और तो हम कुछ मांगते नहीं है, अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा कोचिंग ज्ञान लोक कॉलोनी खुर्जा जिला बुलंदशहर में स्थित है। यदि आपको ज्ञान के लिए आइए, डिसिप्लिन यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है तो आपको बखूबी अच्छी पढ़ाई मिलेगी, लेकिन अपना प्यार जरूर बनाए रखें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा चाहते हैं, धन्यवाद।